दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए एक अपडेट है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप अमेज़ॉन के एसोसिएट्स अकाउंट बना चुके हैं और वहां से आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अपडेट है, शायद आपको भी मिल चुकी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या अपडेट है और क्या हमें आगे करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है, होम पेज पर हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 28 तारीख 2022 से आप यहाँ पे जो हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जा कर के कोई भी आइटम सर्च करके यहाँ पे एक लिंक बनाते थे। जैसे कि मान लो कि जैसे सीडी डीवीडी, हमने यहाँ पे कोई भी एक आइटम सर्च किया और सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे उसके प्रोडक्ट मिल जाते थे। यहाँ से हम गेट लिंक या फिर यहाँ पे हम शॉर्ट लिंक बना करके उस लिंक को शेयर करते थे, ठीक है। तो अब आप 28 फरवरी से ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये लिंक अब सपोर्ट नहीं करेगा। अमेज़ॉन अफिलिएट इस लिंक को अभी सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ पे आप जैसे कि प्रोडक्ट लिंक बनाते थे यहाँ पे अपनी वेबसाइट में डालने के लिए या फिर और कहीं डालने के लिए, इस तरीके का यहाँ पे आपको टैब मिलता था, तो यहाँ से भी आप अपनी लिंक जनरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है और यहाँ पे हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने साफ साफ यहाँ पे पोस्ट किया है कि यहाँ पे जो क्विक सर्च लिंक होता था उसे आप सपोर्ट नहीं करेगा अब अमेज़ॉन, और यहाँ पे एक सर्च प्रोडक्ट था वो भी यहाँ पे सर्च नहीं करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, क्योंकि जितना पैसा हम पहले कमाते थे उतना ही अब भी कमा पाएंगे। क्या है कि यहाँ पे लिंक सर्च करने का जो ऑप्शन था वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन अकाउंट होता है अमेज़ॉन का, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, यहीं पर अमेज़ॉन ने काफ़ी पहले ही ऑप्शन दिया है, मैंने इस पर वीडियो बना भी दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो साइट स्टेप होता है, तो यहाँ से हम उस लिंक को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। मान लो कि यहाँ पे हमने कोई लैपटॉप सर्च किया, और आपको कोई लैपटॉप यहाँ पे, जैसे कि कोई भी यहाँ पे कोई लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ या कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उसे आपको सेल कराना है, तो आप देखिए इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या तो आप पूरी इस प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे आप उसकी लिंक जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, जैसे ये लैपटॉप हमने ले लिया, यहाँ से आप इसकी ही लिंक जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे जा कर के। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट चित्र एंड टेक्स्ट एंड इमेज, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम, अगर आपको इसका इमेज के साथ चाहिए तो खाली इमेज आ जाएगा, अगर आपको इमेज और लिंक दोनों चाहिए तो इस तरीके से ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आपको ओनली टेक्स्ट चाहिए यानी खाली लिंक चाहिए तो आपको शॉर्ट लिंक मिल जाएगा। अगर आप पूरा लिंक चाहते हैं तो यहाँ से आप पूर्ण लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी लिंक मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप इस लिंक को शेयर करके वही काम कर सकते हैं जो पहले करते थे, या फिर आप मोबाइल ऐप में भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल गेट लिंक तेज़ी से सहयोग लिंक बनाने का उपकरण अजमाएं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मोबाइल में अमेज़ॉन का ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आपको आई के बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा कि मोबाइल ऐप से लिंक कैसे जनरेट करते हैं, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यही अपडेट था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखें यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।